लग रहा है कि आप थोड़े से नाराज चल रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो शेड्यूल है एशिया कप का वो अनाउंस हुआ मैं आपका ट्वीट पढ़ देता हूँ आपने कहा थैंक यू जय शाह जय जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है फॉर यूनिलैटरली प्रेजेंटिंग द एशियन क्रिकेट काउंसिल स्ट्रक्चर एंड कैलेंडर फॉर दर टू थाउजेंड ट्वेंटी स्पेशली रिलेटिंग टू एशिया कप ट्वेंटी फॉर विच पाकिस्तान इज द होस्ट आप होस्ट uh, हैं मैं मैं समझता इसकी जरूरत क्या थी एक टेलीफोन कॉल कर लेते हमसे कंसल्ट कर लेते इसकी चीजें करना कोई अच्छी बात तो नहीं होती जबकि एक पूरी काउंसिल है और मेरी इतला के मुताबिक किसी को कंसल्ट नहीं किया खुद ही सब कुछ कर दिया तो क्या इसका ये मतलब है कि अगली दफा जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं भी यही रास्ता अख्तियार करूँ खुद घर में बैठ के अनाउंस करता जाऊँ कि सारी काउंसिल के क्या मौकफ है तो अच्छी बात नहीं है ऐसे नहीं होना चाहिए हालांकि मैं सर मैंने उनसे बात की और उन्होंने ये कहा कि शायद आपको इतला नहीं दी गई लेकिन जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का डेवलपमेंट काउंसिल है जो आपकी कमेटी है उसने ये फैसला लिया था जिसमें पाकिस्तान नहीं है मेंबर आई थिंक रोटेशनल बेसिस पे मेंबर्स होते हैं जिसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है तो उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट कमेटी का ये डिसीजन था प्लस उनके मुताबिक आ, 22 दिसंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात की इतला कर दी गई थी फैजल हसनैन और जाकिर खान साहब को शायद ये ई पर बता दिया गया था। नहीं मेरी इतला के मुताबिक हमें तो पता ही नहीं है कम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इससे पहले भी जय शाह साहब ने एक बयान दिया था जिसके ऊपर मेरे जो पी डिस थे रमीज राजा साहब वो उन्होंने इतराज़ किया था उन्हें नाराज भी हो गए वो, वो ये कहने लगे कि जी इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो देखिए बात यह है एक तरफ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आके वर्ल्ड कप इंडिया में खेले दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं खेलना Uh, कल को चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी क्या वो भी नहीं खेलेंगे तो ये बात ना कोई असूल की है ना ये कोई क्रिकेट की है असूल की हो तो आप ये कहें हम आपको दावत भी नहीं देंगे इंडिया में खेलने के लिए तो ठीक है हम आएंगे भी नहीं और आपको दावत भी नहीं देंगे अब अगर आप यहाँ आते नहीं है पाकिस्तान में और फिर कहते हैं कि आप आ जाइए इंडिया ये किस किस्म का असूल है तो मेरा तो ये है कि सियासत को दूर रखना चाहिए इंडिपेंडेंट बोर्ड है बीसीसीआई हमारा बोर्ड तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है हम तो गवर्नमेंट का इदारा है एक किस्म के जी, तो जी, हम तो जाहिर है हमें तो गवर्नमेंट से हर किस्म की इजाजत लेनी पड़ती है मगर मतलब बीसीसीआई तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट समझता है तो फिर भी इस किस्म की सियासत में समझ तो इसकी जरूरत नहीं है क्रिकेट खेलनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और होनी चाहिए नहीं लेकिन आपका सर ऐतराज आज किस बात को लेकर है क्योंकि मुझे पता चला शायद जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो आपकी जय शाह से बातचीत भी हुई थी शायद एक कटसी कॉल आपकी बात हुई थी नहीं मेरी कोशिश रही है हमारी तरफ से दो तीन दफा हमारे जो एक्ससी हैं जो अभी भी हमारे साथ हैं फैसल हसनैन उन्होंने ई भी किए हैं कि हम एक मैं चाह रहा हूँ कि वो दुबई में अगर हैं तो मैं आ जाता हूं दुबई में उनको मिलने के लिए अगर अफसोस की बात है कोई जवाब तक नहीं है उसकी तरफ से दो तीन ई हमने की हैं तो वी नीड डिजर्व द ऑफ अ मैं मैं चाहूंगा मैं अपने यंगर को, को मिलूं बड़ी दोस्ती अनुराग ठाकर साहब से और भी बीसीसीआई के लोगों के साथ तो मैं चाहूंगा कि हमारे तल्लक हों चले आपकी सियासत अपनी जगह मगर तल्लक तो होने चाहिए सलाम दुआ तो होनी चाहिए मगर इसके साथ जब दुआ, होती है तो ये अच्छी बात नहीं है सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहते ना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बिकॉज शायद जैसे मैं तारीखें भी देख रहा था तो उसी वक्त शायद आप आप प्रेसिडेंट बने थे चेयरमैन बने थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात हो गई उसी वक्त वहां पे आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ट्रांजिशन क्योंकि वो कह रहे हैं कि जवाब नहीं आया कोई वहां से ना कोई मैंने तो पूछा था फैसल को भाई हमारी कोई जवाब आया है हमसे हमें कंसल्ट किया गया तो हमें बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया गया इसीलिए तो अब हमने ई भी डाली है जो भी फैसला है अगर मुश्तर फैसला हो जाए तो अच्छा है, ये कि हमारे हाँ ये ये होने है। और हमें पूछा भी नहीं जा रहा नहीं तो ये, ये फैजल हसनैन ने आपको कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को को कोई ईमेल नहीं दिया है नो अबाउट दिस डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर बन रहा है ये पाथवे है नो अच्छा नहीं लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ये बता रहे हैं कि शायद एशियन तो नहीं, <laughs> कि नहीं मिला के नहीं मिला अच्छा तो बारादा ये बारादा वही... बात यह है जी, के जी अच्छी बात होती है कंसल्ट कर लेना देखिए अगर अगर उन्होंने ईमेल भी दी है तो कंसल्ट तो हमें नहीं किया ना एक यूनिलैट्रल फैसला करके कहीं बैठ के

ये तो सारी दुनिया कहती है कि इंडिया पाकिस्तान के एक नहीं दो मैचेस होने चाहिए किसी न किसी तरीके के साथ जी इसकी फैन बेस भी है और बार तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे थे दो ही रह गए तो, <laughs> तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि तीन हो जाए तो और इससे बेहतर क्या हो सकता है मगर अगेन एज आई सेट ये जो एटीट्यूड है ना कि हम हैं तो क्या कम है वी आर ऑलवेज राइट वील डिकेट टर्म्स ये अच्छी बात नहीं है क्रिकेट में तो ऐसे नहीं होना चाहिए कोई हर्ज नहीं होता कंसल्ट करने का Uh, आप कहां पर होस्ट करेंगे इस एशिया uh, कप को बिकॉज अगेन ये अपॉरचुनिटी uh, आपकी है क्योंकि 2018 में मुझे याद है शायद बीसीसीआई होस्ट था लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान 2008 के बाद से एशिया uh, कप अपने अपने मुल्कों में होस्ट नहीं कर पाए हैं इंडिया ने उस वक्त दुबई में होस्ट किया था और जो रिजर्वेशन आप जानते ही हैं क्योंकि आपने खुद कहा कि भले ही बीसीआई इंडिपेंडेंट अदारा है लेकिन आप सरकार के साथ अटैच्ड है तो क्या ये पाकिस्तान में होगा या फिर न्यूट्रल कंट्री में होगा देखिए जाहिर है हम तो ये कहेंगे पाकिस्तान में होना चाहिए सारी इंटरनेशनल क्रिकेट की क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज अब आ चुकी है पाकिस्तान एक एकाद जो रह गई वो भी आ रहे हैं अब इंग्लैंड भी हो गए न्यूजीलैंड भी हो गया ऑस्ट्रेलिया भी हो गया अब रह क्या गया पीछे बिग तो बिग थ्री तो उनमें से तो आ ही गए हैं और तो इसलिए वेस्ट इंडीज़ भी हो गई है तो बात यह है कि देर इज़ नो इशू नाव तो अब इसको क्रिएट एन इशू फॉर बाइोलेट्रिकली बिकॉज आपके तल्लात अच्छे नहीं है पोलिटिकली बट आईसी सिक्योरिटी इशूज तो अब नहीं रहे जो कि पहले एक एक मौकफ था कि जी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हम नहीं खेल रहे तो सिक्योरिटी इश्यूज तो याद है आपको पिछली दफ़ा हमारे लिए भी थे जब वर्ल्ड कप हो रहा था और हम हमें फिर गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ी फिर आपको एक वेन्यू से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि एक वेन्यू से शिफ्ट करके कल, 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 कर, पुल लिया पुल जाए एंड सोन so, याद होगा आपको तो बात यह है कि ये जब बैठते हैं तो बातें होती हैं तो एक अकोमोडेशन होती है तो अब ये तो करनी कि देखिए हम हिंदुस्तान आ जाए खेलें तीन मैचेस वगैरह वगैरह ऑल वेरी वेल बट यार आप भी तो आए ना हम कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही है हमारी राइट है इस इसूलन असूर, ये बात सही है आना चाहिए आपको खेलना चाहिए आपको पता चलेगा मुझे तो अभी तक याद है द लास्ट इंडिया पाकिस्तान मैच जब हुआ था तो यहाँ लाहौर में इंडिया जीता था वो मैच और उस वक्त पाकिस्तान के जो अवाम थी उन्होंने वी के नारे लगाए थे इंडिया के हक में वो मुझे दिन याद है और आपका जो हाई कमिश्नर था उस वक्त आपका जो डिफेंस जो सेक्रेटरी थे के तो लड़ाई, से चलते रहते हैं मगर क्रिकेट मस्ट गो ऑन आपकी बात समझता हूं और हर मुल्क चाहता है कि जो इवेंट उसको मिले वो उसे होस्ट करना चाहेगा लेकिन फिर वही बात आ गई ना सर आ, शायद दा... Uh, मेरा वो तजुर्बा तो नहीं है जितना तजुर्बा आपका है लेकिन uh, अगर अगर ये इशू नहीं रिजॉल्व होता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसे न्यूट्रल कंट्री लेकर जाने को तैयार होगा देखिए ये वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट एंड आई सेड कंसल्ट द गवर्नमेंट गवर्नमेंट अगर कहेगी इट्स ओके देन इट्स ओके इफ दे देकेट्स नो तो सब्जेक्ट टू तो नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आ रहा है कि नहीं जा रहा है वो उस वक्त फैसला होगा गवर्नमेंट कहेगी जाओ हम चले आएंगे कहेगी नहीं जाओ नहीं जाएगी चलिए उम्मीद करते हैं सर जो ईमेल्स आपने भेजी हैं या फोन कॉल्स हैं उसका जवाब भी आए और आपकी उनसे मुलाकात हो बिकॉज एशिया कप आई थिंक हिंदुस्तान या पाकिस्तान के लिए आफ्टर द वर्ल्ड कप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट पिछले साल बड़ा अच्छा हुआ दुबई अनफॉर्चुनेटली आपकी बात सही है पिछले चौदह साल से वो इंडिया पाकिस्तान में नहीं हो पाया लेकिन uh, अगर न्यूट्रल uh, कंट्री में भी हो तो उम्मीद यही करते हैं कि एज होस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वन ऑफ द बेस्ट एशिया कप हम सबको देखें मगर जाते जाते मैं जरूर कह दू न्यूट्रल कंट्री ये क्या चीज है न्यूट्रलिटी नहीं ये तो फिर डिप्लोमेटिक है ना सर जब ये तो अगेन फिर, तो फिर मैं आपको सबसे फिर आप इतने तो सीनियर फिर फिर वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप भी हम इंडिया पाकिस्तान के खेलेंगे तो हम मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल लेते हैं ठीक है चलिए ठीक है सर लेट्स क्रॉस द ब्रिज बहुत-बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्यौहार मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव एनालिसिस स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक